अभी बात करेंगे कि अंडर 19 टीम को आपने जिताया पूरी वर्ल्ड वर्ल्ड में मशहूर हो गई बात और आप वैसे तब अभी भी अंडर 19 लगते हैं तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी मतलब टेंशन नहीं हुई थी वर्ल्ड कप जैसे जीतने के लिए फाइट किया था मतलब कितने साल की उम्र थी आपकी सोलह सत्रह तो हाँ, उस उम्र में आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जीतना है फील कैसे होता था वर्ल्ड कप फाइनल था श्रीलंका गेम्स में तो श्रीलंका में खेल रहे थे हाँ, तो इतना उन्हीं की उसमें तो इतना क्राउड एक्सपेक्ट नहीं किया था हाँ, जब क्राउड देखा तो पहली बार इतने बड़े क्राउड में खेल रहा था मैं हाँ, तो काफी टेंशन हो गई थी हाँ, पर फाइनल uh, मैच था मेंटली हाँ, बहुत स्ट्रांग रहना था तो अच्छा 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 खेले उस दिन तो आपकी विनिंग टीम की तस्वीर देखें Where are you? I'm at the bank. It's here. I ये भी आपके अंडर 19 टीम में तो काफी लड़के थे उसमें से एक को बुला लेते हैं बुलाओ बुलाओ आइए प्लीज वेलकम इधर आज अच्छा मैंने सुना कि ये यूवी बहुत शांत स्वभाव के हैं बिल्कुल खामोश बिल्कुल कभी इनको गुस्सा ही नहीं आता मतलब इधर काम एंड क्वाइट हैं सो क्रिकेट खेलते रहते हैं शांति से इज इट राइट नहीं नहीं ये तो आपने बहुत गलत सुना इसके बारे में <laughs> <क्यो? है। laughs> <है>। इज <इस> वेरी <laughs> शॉर्ट टेम्पर <laughs> एक बार हमारा मैच हो रहा था अंडर सिक्सटीन hmm. फाइनल्स था नागपुर में तो वी वर चेजिंग टू समथिंग तो हम ऑलमोस्ट जीत भी गए थे मैच तो इसने ही गॉट आउट ऑन फिफ्टी गॉट बोल्ड राउंड हिज लेग्स तो ये वापस आ रहा था तो वी वो ऑल सेलिब्रेटिंग के जीत गए अब तो मैच तो जैसे ये ड्रेसिंग रूम में अंदर आया तो एवरी वन सेट वेल प्लेड यू वेल प्लेड ये अंदर गया अपना बैट इसने ड्रेसिंग रूम में मारा अपने पैड्स और हेलमेट सब नीचे मारा और उसके बाद देर इज वन थिंग दैट मी दैट टाइम यू वी क्या तू ऐसे इंडिया खेलेगा आई मीन एट दैट टाइम ही सेड अंडर 16 में द डिजायर दैट ही हैड दैट टाइम टू प्ले फॉर इंडिया दैट वाज 50 रन से ये सैटिस्फाइड नहीं था जोश पे जैसे आपने वहां अपना बैट पटका हेलमेट पटकी पैड्स पटके तो मतलब फील्ड पे भी कभी अपनी हड्डी हड्डी तोड़ तोड़ वगैरह है लेते हैं तो उसका हड्डी जोड़ने वाला क्या कह रहा है सुनिएगा हड्डी जोड़ने वाला हां जी <laughs> <laughs> Uh, I've got to say something really nice about you. Well, I've known you for about three years now since you've made your debut. There are a lot of many, there are a lot of stories I could have uh, brought out tonight, but I think the most memorable memorable one is the uh, time in Kenya, 2000, the mini World Cup. It was your debut. Um, you'd called me out to the middle of the field while you were batting. You grazed your elbow. All, all around us were the Aussies sledging you, telling you this is the the big leagues now. You're not playing school cricket. You turned around, slid them straight back, and really showed them what you what you were made of. You've come a long way since then, and I hope to see you do more of that in the World Cup coming up next year. All the best, mate. All the best. Kya karein the aapke physiotherapist? Wo Australia ke incident ke baare mein bata raha. Kya? Yeah. Kheel raha tha, to gaya main, mm. to mera chhot lagi. Mm. To maine isko ki mere पट्टी कर रहे hmm. तो जब वो आया करने तो ऑस्ट्रेलियन काफी फ्रस्ट्रेटेड थे तो दे सेड दे वर ऑल अब्यूजिंग मी खेलो आई मीन डोंट लाइक एक्ट लाइक स्कूल किड की चोट लगी लग और पट्टी लगा रहा hmm. तो आई जस्ट टोल्ड तो देम कि तू जा कोई नहीं मैं ही खेलता हूं और कितने रन बनाए 84 दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट